हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनींद्र, आपका ज्योग्राफी एडुकेटर, और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, जैसा आज हमारा लेक्चर 6 हम लोग करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने पृथ्वी के इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में आपके बात की थी, ठीक है, मतलब आंतरिक संरचना के बारे में। उसी आंतरिक संरचना में एक कड़ी आगे बढ़ते हुए आज हम लोग विभिन्न परतों के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने, जैसे उत्पत्ति में बहुत से साइंटिस्टों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे, उसी प्रकार से कि विभिन्न परतों के रूप में, जैसे मैंने रासायनिक संगठन का डिस्कस कर लिया था आपसे सुएस के द्वारा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं देखा हो वो उस लास्ट लेक्चर को जरूर देख लें। इस लेक्चर में हम लोग रासायनिक जो हम लोग किया था ना, सियाल वगैरह जो डिस्कस किया था, सीमा और निफे, उसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मतभेद करके और कई तरीके से अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन दिए हैं, अलग अलग से लेयर्स वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं कि कुछ ने, देखिए इस लेक्चर में मैंने जितना भी समझाने की कोशिश की है, थ्योरी मेथड कम रखा है। अधिकतर मैंने सोचा है क्योंकि डायग्राम से जितना ज़्यादा आप समझ सकते हैं उतना हम उसको थ्योरी से नहीं समझा सकते, इसलिए मैंने कोशिश की है कि सभी के मैं अच्छे से आपको डायग्राम कवर करा दूँ, ठीक है, जिससे आपको डायग्राम से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज कुछ देखिए मैं बताता हूँ कि पृथ्वी को लेयर वाइज बोला गया है। कई लोग मान रहे हैं कि जैसे अर्थ है, तो अर्थ का अगर हम एक टुकड़ा काट दें इस तरीके से, तो ये बहुत सारी लेयर वाइज बढ़ता चला जाएगा। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग लेयर होंगी, सब जहाँ जहाँ जो जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी अलग होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे विद्वानों ने मत दिए। कुछ लोगों ने कहा है कि ये 3 लेयर में डिवाइड करिए, कुछ ने कहा है कि ये 4 लेयर में डिवाइड होगा, कुछ ने 4 से ज़्यादा लेयर में बताया, कुछ ने 2 लेयर में भी बताया। ठीक है, तो अलग अलग हम साइंटिस्ट हुआ। तो देखिए, पहले जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इसको प्रतिपादित किया था परतों के रूप में, वो है डाली। ठीक है, देखिए डाली के अनुसार उन्होंने बताया कि 3 परतें होंगी। ठीक है, तो 3 परत में उन्होंने जो बाहरी परत रखी थी, ठीक है, उसको आउटर जोन बोला था, और इसकी इन्होंने जो लंबाई रखी थी, जो भी क्या नाम है मोटाई रखी थी, वो रखी थी इन्होंने 1600 किलोमीटर। ये ध्यान से रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, 1600 किलोमीटर इन्होंने इसकी मोटाई रखी थी, और उसको नाम क्या दिया था, आउटर जोन या बाहरी परत। ठीक है, और ये पूरी की पूरी परत किसकी बनी हुई थी, सिलिकेट की बनी हुई थी। ठीक है ना, सिलिका से युक्त सिलिकेट की बनी हुई थी, मतलब एल्युमिनियम सिलिकेट इस तरीके से, मैग्नीशियम सिलिकेट, तो सिलिकेट की बनी हुई थी। ठीक है, और अगर हम घनत्व की बात करें, देखिए घनत्व जितना भी होता है, डेंसिटी जो भी होती है, वो औसतन होती है। क्यों? क्योंकि हर जगह सेम नहीं होती, तो हम उसको एवरेज डेंसिटी के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, तो घनत्व इन्होंने रखा था 3। उसके बाद देखिए, इन्होंने इसके अंदर जो सेकेंड लेयर जो रखी थी, मध्यवर्ती परत या इंटरमीडिएट जोन, ठीक है, इसकी जो इन्होंने मोटाई रखी है वो है 1280 किलोमीटर। ठीक है, 1280 किलोमीटर की इन्होंने सेकेंड लेयर रखी थी। ठीक, लोहे और सिलिकेट की बनी हुई थी। इस लेयर में आपका आयरन भी पाया जा रहा था और उसके सिलिकेट्स भी पाए जा रहे थे। ठीक है, घनत्व की अगर हम बात करें तो 4.5 से 9 घनत्व है इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके अगर हम केंद्र की बात करें, तो इन्होंने केंद्र को तो क्या ठोस रूप में माना। देखिए, केंद्र को अधिकतर विद्वानों ने ठोस रूप में माना गया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो अंदर का जो कोर है जो आपका, वो ठोस है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, जब पूरा ठोस होगा तो हम इसकी क्या करेंगे, डायमीटर देंगे। तो इन्होंने डायमीटर कितनी दी हुई है, 7040, 7040 किलोमीटर, ये 4400 मील। ठीक है, ये इसकी इन्होंने डायमीटर दे दी। और जब वो चीज ठोस है तो ठोस का घनत्व मैंने आपको बताया था, ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ठोस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। तो ठोस का घनत्व यहाँ पर इन्होंने कितना बताया है, 11.6 की। ठीक है, और मैंने जैसे बताया था, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सियाल सीमा और निफे डिस्कस किया था, मतलब अंदर उन्होंने कोर में क्या रखा था, सुएस ने जो रासायनिक संगठन दिया था उसके अनुसार इसमें क्या बताया था उन्होंने, कि निकिल और आयरन की लेयर पाई जाती है। तो उसी तरीके से इन्होंने भी इस लेयर को क्या माना, लोहे की लेयर माना। ठीक है, अब देखिए डाली का मत अगर आप बुक से पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के तौर पर दिया हुआ है, लेकिन मेंस एग्जाम के लिए आपको उतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आपको मेन मेन फैक्ट पता होने चाहिए, बिकॉज अगर आपको फैक्ट पता है तभी आप उन्हें आंसर राइटिंग में डिनोट कर पाएंगे। बिकॉज आप 2-3 पन्ने का पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, आपको फैक्ट पता होने चाहिए और उन फैक्ट्स को आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो उसी कड़ी में मैंने डायग्राम से सबको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो डाली के मत के बाद अगर हम दूसरे बात करें, तो दूसरे साइंटिस्ट हमारे जेफरीज। ठीक है, अब जेफरीज ने जो जो कॉन्सेप्ट दिया है वो उन्होंने
भूकंपीय लहरों के बारे में दिया है कि जैसे जैसे लेयर वाइज लहरें आती हैं उसी लहरों की कड़ी में इन्होंने इस चीज़ को चार भागों में बांट दिया है। तो देखिए इन्होंने पहली जो परत रखी जो सबसे बाह्य परत है ठीक है, वो उन्होंने कहा जो परतदार शैलों से बनी होती है, मतलब जो लेयर वाइज चट्टाने नहीं होती, चट्टानी रूपी लेयर्स, मतलब एक लेयर आपकी ये चट्टान की आ गई ये आ गई, इस तरीके से लेयर वाइज शेल्स होंगी, तो जो बाहरी परत है वो परतदार शैलों से निर्मित है। अंदर की जो परत उसके सेकेंड वाली जो परत इन्होंने बताई द्वितीय परत, बाह्य परत, प्रथम परत या फिर उसके बाद द्वितीय परत जो इन्होंने ग्रेनाइट की बताई कि जो द्वितीय परत है वो हमारी ग्रेनाइट की होती है ठीक है। उसके बाद जो तृतीय परत या मध्यवर्ती परत ये टैचीलाइट या डायोराइट की होती है। देखिए ये सब ओर होते हैं, अयस्क होते हैं ठीक है, तो ये अलग अलग मेटल के अयस्क होते हैं ठीक है। तो पर्टिकुलर इसमें किसी भी आप मेटल के बारे में बात नहीं कर सकते, ओर्स में बहुत सारे मेटल पाए जाते हैं ठीक है, उसमें कंपोजिशन होता है, कोई इतने परसेंट होगा कोई इतने परसेंट होगा, इसलिए आप ओर के नाम ही याद रखिएगा ठीक। कुछ बुक्स में डायरेक्ट मेटल के नाम दे दिए लेकिन जेफरीज ने मेटल के नाम नहीं बताए थे, उन्होंने ओर के नाम बताए थे ठीक है। तो जो इसका थर्ड लेयर है जिसको मध्यवर्ती या तृतीय परत बोला गया है, इसमें इन्होंने टैचीलाइट और डायोराइट बताया कि टैचीलाइट और डायोराइट यहां पर पाया जाता है। उसका देखिए इन्होंने कोर की बात करी तो इन्होंने चौथी लेयर या निचली परत को डूनानाइट पेरिडोटाइट इक्लोजाइट नामक चट्टान से बनी परत, इन्होंने कहा था ये जो ठोस परत है ये इस दिन तरीके के अयस्कों की चट्टान से मिलकर बनी हुई है ठीक है। जेफरीज का मत ये था हमारे पास, इन्होंने चार परतों को माना है ठीक है। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट करेंगे होम्स का मत। देखिए होम्स ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने जो अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे थे उसको पूरा पलट दिया था। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने संरचना की दृष्टि से संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, इन्होंने टोटल दो भागों में बांट दिया था। इन्होंने क्या किया था, जो सबसे देखो बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो यही था, मिनिमम अधिकतर डाली के हिसाब से तीन परत मानी गई थी, तो इन्होंने भी तीन परत को माना गया था, लेकिन इन्होंने क्या किया जो बीच वाली मध्यवर्ती परत जो थी उसको दो भागों में बांट दिया, उसको आधा परत को ले लिया, उसको अपर भाग को ले लिया ऊपरी परत के साथ और उसके निचले भाग को नीचे मतलब मध्यवर्ती परत को इन्होंने बांट दिया दो भागों में। कैसे बांटा वो देखिए आप, देखिए ये आपके एक लेयर ये एक लेयर ये ठीक है, तो ये एक पूरी लेयर है, एक ये और एक ये ब्लू और रेड वाली, ये पूरी लेयर एक थी और एक अंदर, मतलब एक लेयर आपकी ये हो गई, एक इन दोनों का मिक्सचर हो गई और एक ये तीसरा लेयर हो गया जिसको कोर कहते हैं ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ऊपर वाली लेयर और उसके साथ में जो उसके नीचे वाली लेयर जो है सेकेंड वाली लेयर का हाफ पोर्शन ले लिया, मतलब अपर हाफ पोर्शन उन्होंने ऊपर वाली लेयर में ऐड कर दिया, मतलब ये ब्लू पोर्शन और ये व्हाइट पोर्शन डॉटेड, ऊपरी प्लस मध्यवर्ती ठीक है, मध्यवर्ती लेयर का ऊपरी हिस्सा ठीक है। और इसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, पपड़ी या क्रस्ट या परपटी भी लिखा रहता है बुक्स में ठीक है। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, जो मध्य उसके मध्यवर्ती जो लेयर थी सेकेंड वाली उसका जो निचला भाग था ये रेड वाला, इस रेड वाले को उन्होंने किसके साथ मिक्स कर लिया, अंदर जो कोर था उसके साथ निचले भाग के साथ, और इसको नाम दे दिया इन्होंने अधिस्तर या सबस्ट्रेटम ठीक है। और इसको नाम क्या दिया गया, सबस्ट्रेटम, उन्होंने वर्ड यूज किया था सबस्ट्रेटम जिसको आधा स्तर भी कहते हैं ठीक है, मतलब आधा स्तर ठीक है। अब देखिए इन्होंने इसी तरीके से अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा था कि जो ऊपरी परत है मतलब ऊपरी परत प्लस हाफ मध्यवर्ती परत का ऊपरी हिस्सा ये सियाल है, मतलब इसमें क्या है सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाएगा आपका, मतलब यहाँ पे आपका क्या है सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाएगा। और उसके बाद देखिए जो निचली परत मतलब जो कोर है उसके साथ जो बीच वाली मध्यवर्ती परत का जो निचला हिस्सा है इसको इन्होंने सीमा बोल दिया, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, मतलब रासायनिक संगठन जो सुएस ने दिए थे हमारे अधिकतर उन्हीं को फॉलो किया गया है। बस अब सबने अपना अपना लेयर का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, किसी ने दो मानी है किसी ने तीन मानी है ठीक है। तो लेयर में वेरिएशन है, बाकी जो आपका कंपोजिशन था केमिकल कंपोजिशन उसमें इतने ज़्यादा वेरिएशन कुछ खास नहीं है ठीक है। जेफरीज ने सबसे ज़्यादा वेरिएशन दिए हैं, उन्होंने उन्होंने उसके अयस्कों की बात कर दी मतलब ओर्स की बात करती थी, इस वजह से उनका जो मत है वो थोड़ा सा अलग है। उसके बाद होम्स के मत के बाद हम बात करेंगे हमारे वंडरग्राफ्ट का मत जो है हमारे पास। देखिए वंडरग्राफ्ट ने क्या बताया, इन्होंने संरचना के हिसाब से चार भागों में बांटा, लेकिन जो इन्होंने जो चार भागों में जैसे जेफरीज ने भी चार भागों में बांटा था, जेफरीज ने भी चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन्होंने भी चार पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन इन्होंने क्या करा उसमें थोड़ी रिसर्च किया, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तरीके से इन्होंने डिवाइड किया। जैसे जेफरीज ने जब डिवाइड किया था देखिए तो इन्होंने सिंपली बता दिया था कि वो चार परतें होंगी, किसी में ग्रेनाइट चट्टान है, लेकिन जब वंडरग्राफ्ट ने किया तो उसका इन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया, इन्होंने इसमें बहुत सारे तथ्य दे दिए फैक्ट दे दिए, जिस वजह से इनका ये प्रेजेंटेशन जो इसका इनका जो मत था वो काफ़ी हद तक सही माना गया। तो देखिए इन्होंने क्या किया, जो सबसे ऊपरी परत थी, देखिए सबसे पहले हम लोग ये जो आउटर सेल जो है ऊपरी परत इसकी बात करेंगे ठीक है, ऊपरी सियाल क्रस्ट, तो इसका नाम उन्होंने क्या दिया था, ऊपरी सियाल क्रस्ट ठीक है, आउटर सील क्रस्ट मतलब ऊपरी तरीके से, इसमें क्या है सिलिका और सियाल, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम का क्रस्ट है ये पूरा का पूरा ठीक है। और सिलिका और एल्युमिनियम
का जो घनत्व होता है वो काफ़ी कम होता है सिलिका, ठीक है। तो इसलिए इनका घनत्व की जो रेंज दे दी उन्होंने 2.75 से 2.9 तक दे दिया, ठीक है। और उसके बाद महाद्वीपों के 60 किलोमीटर, उन्होंने कहा कि जब महाद्वीपों में जाओगे तो उसके 60 किलोमीटर तक ये लेयर पाई जाएगी, और अंध सागर के नीचे 20 किलोमीटर तक पाई जाएगी, और प्रशांत सागर के नीचे 10 किलोमीटर पाई जाएगी, ठीक है। उन्होंने जो कि अगर हम बात करें समझने के लिए, तो जैसे ये आपकी सरफेस है नॉर्मल, तो इससे आप जब 60 किलोमीटर तक जाओगे, 60 किलोमीटर तक, ठीक है, तो ये आपकी 60 किलोमीटर तक, यहाँ तक ये लेयर पाई जाएगी ऊपरी सियाल क्रस्ट, तो ये ऊपरी सियाल क्रस्ट होगा। लेकिन अगर आप सोचो यहाँ पर क्या है, कोई हमारा महासागर आ गया, अंध महासागर आ गया, तो जब अंध महासागर आ गया तो वो खुद इतनी हाइट तो उसने खुद कम कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितना रह जाएगा, वो 20 ही किलोमीटर रह जाएगा। अब लेयर कितनी बचेगी हमारे, 20 किलोमीटर, क्योंकि बाकी में तो वाटर आ गया, ठीक है। अब अगर हम प्रशांत चलें तो प्रशांत तो और गहरा है, ये यहाँ तक आ गया, ये प्रशांत महासागर आ गया आपका, तो अब कितना क्षेत्र बचा है इसका, 10 किलोमीटर बचा, ठीक है। तो मतलब सियाल का क्षेत्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा था, पर महाद्वीप पे अगर बात करें मतलब सरफेस से बात करें तो 60 किलोमीटर है, ठीक है। अंध महासागर से बात करें तो 20 किलोमीटर है, और प्रशांत महासागर से बात करें तो 10 किलोमीटर। इन्हीं तथ्यों की वजह तो वजह से इनका ये प्रेजेंटेशन काफ़ी हद तक सही मान लिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे इनर सिलिकेट एंड मेंटल की, ठीक है, इनर सिलिकेट या मेंटल की, ठीक है। तो इनर सिलिकेट या मेंटल की बात करेंगे हम, तो एक मिनट गाइस, सॉरी गाइज, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, आई एम बैक फाइनली। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे वंडर ग्राफ्ट के मत की, तो इसमें देखिए जो सेकंड लेयर होती है, फर्स्ट लेयर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, अब सेकंड लेयर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक सिलिकेट या मेंटल, ठीक है। इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था वंडर ने, यहीं से जो वर्ड आया है मेंटल, ठीक है। इसी को अभी भी मॉडर्न परिकल्पना में भी मेंटल को हम बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनर सिलिकेट या मेंटल, ठीक है, इनर सिलिकेट का मतलब क्या है, जो बाहर वाली जो सियाल जो लेयर थी, ठीक है, उसमें से कुछ सिलिकेट के जो लेयर होगी वो सेकेंड लेयर्स के जो अपर सरफेस होगी वो थोड़ी सी सिलिकेट से बनी होगी, ठीक है। इसलिए इसमें सिलिकेट नाम लिख दिया, इनर सिलिकेट एंड मेंटल, ठीक है। आंतरिक सिलिकेट और मेंटल सीमा, ठीक है, होती कितनी है इसकी, अगर हम बात करें थिकनेस की, तो थिकनेस कितनी होगी आपकी, 60 से 1140 किलोमीटर, और डेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी आपकी, 3.1 से 4.75 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करेंगे, उसके बाद उसके अगली जो थर्ड लेयर है उसकी बात करेंगे हम लोग। देखिए जेफरीज की तरह इन्होंने भी चार लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए इसमें जो लेयर बनेगी सिलिकेट और मिश्रित धातुओं की परत होगी, जो थर्ड वाली लेयर होगी उसमें भी सिलिकेट होगा और मिश्रित धातु मतलब मिक्स मेटल्स जितने भी होते हैं उनकी लेयर मिलेगी। मतलब हम यहाँ से बात कर सकते हैं सीमा वगैरह हो सकता है यहाँ पर, मतलब सीमा से मिक्स होंगे, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जोन ऑफ मिक्स और सिलिकेट्स, ठीक है, 1140 से 2900 किलोमीटर तक की लेयर होगी, और 4.75 से और 5 तक इसकी डेंसिटी हो जाएगी। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं इसके कोर की या सेंटर की, तो सेंटर इसको इन्होंने नाम दिया धातु केंद्र अथवा मध्य पिंड, मेटेलिक न्यूक्लियर, वंडर ने इसको नाम दिया था, ठीक है, मेटेलिक न्यूक्लियर। और इसकी क्या रेंज, इसकी जो बताई इन्होंने थिकनेस वो कितनी बताई, 2900 से 6371 किलोमीटर तक, ठीक है। घनत्व इन्होंने दिया 11, ठीक है। अब इसके बाद वंडर का कॉन्सेप्ट में इन्होंने चार कॉन्सेप्ट रखे थे, ऊपरी लेयर, आंतरिक सिलिकेट, सिलिकेट मिश्रित धातु और धातु केंद्रीय नेम्स इन्होंने यूज किए थे। देखिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुटेनबर्ग या महोरोविसिस, ठीक है। देखिए महोरोविसिस जो है वो मॉडर्न गुटेनबर्ग, और यहाँ से मॉडर्न कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने का सबसे पहला पड़ाव है, ठीक है, 1951 में गुटेनबर्ग, बी गुटेनबर्ग और ए महोरोविस ने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। अब इसी को हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आज की डेट में जो हम जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट में जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, जियोफिजिक्स में वो यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। देखिए उसको ध्यान से समझेंगे, इन्होंने इसमें क्या करा, इन्होंने 5 समांतर पेटियों के रूप में वेरिएशन कर दिया, मतलब 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। देखिए जस्ट लाइक इसको एक केक की तरह हमने उसका एक पिज्ज़ा के पीस की तरीके से अर्थ से उसकी एक लेयर निकाल ली है, इस लेयर को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। देखिए इन्होंने कहा जो अपर लेयर है जिसमें सागर वगैरह होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ स्थानों पर मैदानी इलाके होंगे, कहीं सागर भी होगा, कहीं नदियां भी होंगी, ठीक है। तो इस लेयर को इन्होंने नाम दिया तलछटी चट्टानों से निर्मित तलछटी शैल, ठीक है, मतलब इस लेयर को नाम दिया गया सेडिमेंट्री लेयर। इन्होंने नाम क्या यूज़ किया था, सेडिमेंट्री तलछटी लेयर, ठीक है। अब तलछटी लेयर के बाद जो सेकेंड लेयर आई इन्होंने इसको नाम दिया भूपटल या क्रस्ट ग्रेनाइट शैल,
मतलब जो पहली वाली लेयर थी, तलछटी का मतलब होता है छिछली, मतलब जहाँ से पानी का आवागमन हो सके नीचे और ऊपर, ठीक है। तो तलछटी के बाद इन्होंने सॉलिड एक लेयर ले ली ग्रेनाइट शेल से बनी हुई, जिसको इन्होंने नाम दे दिया भूपटल या क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए उससे जो अगली लेयर की बात करी, इसको नाम दिया इन्होंने अल्पसिलिक सेल या बेसिक रॉक्स, ठीक है। अल्पसिलिक और बेसिक रॉक्स, ठीक है। इसकी खोज जो की थी बेसिकली यहाँ से मोहरोविसिस ने की थी, ठीक है। और इसलिए इसको नाम मोहो, मोहरोविसिस से मोहो जो वर्ड आता है तो मोहो नाम भी दिया जाता है, ठीक है, मोहो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये जो लेयर होती है पूरी पूरी मोहो लेयर, वो किसकी होती है, सिलिकेट की बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद गुटेनबर्ग की एक लेयर है, देखिए नेम्स दे दिए इन लोगों ने, साइंटिस्टों ने जो जो लेयर खोज की उस लेयर को इन्होंने अपना नाम दे दिया, ठीक है। तो अल्पसिलिक सेल या बेसिक रॉक्स, जिसको मोहो रोविस ने खोजा था और नाम दिया गया मोहर लेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए गुटेनबर्ग लेयर या गुटेनबर्ग परत, इसको बोलते हैं अत्य अल्पसिलिक, ये अल्पसिलिक थी या अत्य अल्पसिलिक है, अल्ट्रा बेसिक, ये बेसिक थी अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, ठीक है। मिश्रित मंडल है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्सचर पाए जाएंगे। मेंटल और भूक्रोड के मध्य इसकी खोज हुई थी, देखिए ये आपका भूक्रोड हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि मोरोविस ने क्या कहा था, मैं मेंटल की खोज करके दी थी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग लेयर बोलेंगे, ठीक है। देखिए मेंटल की मोटाई अनुमानित जो की जाती है वो 2900 किलोमीटर की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग अगर बात करेंगे कोर की, ये धातु मंडल या कोर, ठीक है, ये पोर्शन जो है धातु मंडल या कोर, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस बोलेगी 3000, मतलब इसको अगर हम सर्कुलेटरी लेंगे तो 3400, सरकमफ्रांसिस कितना, 3464 किलोमीटर, ठीक है। और अगर इसकी हम मोटाई की बात करेंगे तो वो कितनी है, 1400 किलोमीटर, 3460 उसकी सरकमफ्रांस है और 1400 किलोमीटर क्या है उसका, थिकनेस है, ठीक है। और डेंसिटी यहाँ पर देखो इन्होंने डेंसिटी सबसे ज़्यादा बताई थी, 17 डेंसिटी बता दी, वरना नॉर्मली लोगों ने 11 से ज़्यादा डेंसिटी नहीं बताई है किसी ने, ठीक है। अब ये देखिए ये पांच कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब पांच कॉन्सेप्ट एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया हमारे पास डाली का, डाली ने क्या करा, थ्री लेयर्स को डिवाइड कर दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट बना दिया, और इन्होंने सियाल और सीमा और निफे को पूरा फॉलो किया है, जो उन्होंने, जो हमारे सुएस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो केमिकल कॉन्सेप्ट दिया था, उसको इन्होंने पूरे तरीके से फॉलो किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने जेफरीज का मत ले लिया यहाँ पर, ठीक है। जेफरीज ने चार लेयर का कॉन्सेप्ट दे दिया, सिंपली इन्होंने लेयर को डिफाइन कर दिया। उसके बाद देखिए वहाँ, उसके बाद हमारे पास आ गए होम्स, होम्स ने क्या किया, होम्स ने जो पुराना कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो होम्स ने बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने क्या किया था, जो तीन लेयर वाला कॉन्सेप्ट था ना इसका, डॉली का पुराना वाला, डॉली के को कॉन्सेप्ट को, जो मध्यवर्ती लेयर जो थी बीच वाली लेयर, उसको अपर लेयर को ऊपरी पार्ट में ऐड कर दिया और निचली लेयर को निचली परत के साथ ऐड कर दिया, और टोटल मिला के इन्होंने सिर्फ दो लेयर बनाई, एक सियाल और एक सीमा की, ठीक है। और उसके बाद देखिए फोर्थ जो आ गया कॉन्सेप्ट आ गया वांडरग्राफ्ट का मत, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार लेयर का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने इन पिछले साइंटिस्टों के या वैज्ञानिकों के अनुमानों से ज़्यादा अनुमानित डेटा हमें प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वांडरग्राफ्ट का, ठीक है। उसके बाद देखिए उससे ज़्यादा फिर गुटेनबर्ग और मोहरोविसिस ने जो कॉन्सेप्ट दिए 1951 में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये आ गया, ठीक है। तो इन्होंने पूरा का पूरा, इन्होंने पूरा एक लेयर वाइज इन्होंने फुल एक्सप्लेनेशन कर दिया कि कौन सी चट्टान से कौन सी लेयर बनी हुई है, ठीक है। अब इन सबके बाद में अगर हम रिसेंट व्यूज ले लें, आज की डेट में अगर हम बात करें कि आज की डेट में, देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें तो जितने भी पुराने मोहरोविस हो गया, गुटेनबर्ग हो गया, जितने भी पुराने लोग रहे हैं उनके कॉन्सेप्टों को लेके, ठीक है, आज का जो रिसेंट व्यूज है या अभिनव मत है वो तैयार किया गया है, ठीक है। तैयार किसने किया है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेजी एंड जियोफिजिक्स, ठीक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे केमिस्ट्री में IUPAC ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उसी तरीके से ज्योग्राफी में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेजी एंड जियोफिजिक्स, इस ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट है उस आधार पे ये नया कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। अब इस नए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे, देखिए अब इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो मोहरोविक असंबद्धता, कोनार्ड असंबद्धता, असंबद्धता का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। असंबद्धता मैं आपको समझा दे रहा हूँ, मतलब जैसे मान लीजिए एक लेयर ये यहाँ से यहाँ तक थिकनेस में थी, जो मटेरियल इस लेयर में पाया जा रहा था सडनली वो यहाँ से डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब यहाँ से वो नहीं है, फिर वो दूसरा मेटल यहाँ पे पाया गया, तो ये जो गैप हो जाता है ना इसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, असंबद्धता बोलते हैं गैप को, जैसे मतलब ये इससे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये तो कहते हैं ना ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया, उसी तरीके से असंबद्धता या
को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे, ठीक है? इन्होंने इसमें बहुत सारे पोर्शन, जितने भी हमने पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सबको मिक्स कर दिया गया है इस नए कॉन्सेप्ट में। कैसे मिक्सिंग की गई है, देखिए, सबसे पहले वाले जो कॉन्सेप्ट को, सबसे ऊपरी जो लेयर है उसको क्रस्ट बता दिया, जैसे पीछे लोगों ने क्रस्ट बताया था उसी तरह के इन्होंने भी क्रस्ट बता दिया। क्रस्ट में इन्होंने सबसे पहला जो ऊपर नाम दे दिया कोनार्ड असंबद्धता, उन्होंने कहा कि ये जो इस लेयर को क्या बोलोगे, कोनार्ड असंबद्धता, मतलब कोनार्ड ने डिसकंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग इस लेयर को अपना नाम दे दिया है, ठीक है? गहराई की अगर हम बात करें तो जीरो से, मतलब जो आपकी अर्थ सर्फेस होती है वहाँ जीरो से लेके 30 किलोमीटर की बहुत पतली सी लेयर होती है इसको, और इसको क्या बोलते हैं, सियाल, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम यहाँ पे भरपूर मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है? अगर हम डेंसिटी की बात करें 2.90 डेंसिटी होगी। उसके बाद देखिए जो सेकेंड लेयर है उसको मोहरोबिक असंबद्धता, सेकेंड लेयर को किस क्या नाम दिया गया, मोहरोबिक असंबद्धता। मोहरोबिक ने इसकी खोज की थी, ठीक है? जैसे मोहरोबिक ने अपना मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था ये वाला, तो इसी सारे इन्हीं सारे कॉन्सेप्टों को मिलाते हुए ये कॉन्सेप्ट तैयार किया गया, ठीक है? तो मोहरोबिक असंबद्धता, ठीक है? डेंसिटी क्या है यहाँ पर, 3.3 है, और कहाँ तक होगी, आपके 200 किलोमीटर तक हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद देखिए ऊपरी मेंटल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ग्लोत्सिन असंबद्धता, ठीक है? ग्लोत्सिन ने कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है? एक और साइंस विद्वान थे, इनको भी ना, इन जितने मैं बता रहा हूँ जितना ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने विद्वानों के मत थे, सबको कंबाइन किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ग्लोत्सिन असंबद्धता या ऊपरी मेंटल, ठीक है? ये कहाँ तक जाएगा आपका, 700 किलोमीटर तक, ठीक है? तो 700 किलोमीटर तक सियाल का कॉन्सेप्ट चलेगा। उसके बाद देखिए निचली रैपेटी असंबद्धता यहाँ से आ जाएगी ना, इसकी डेंसिटी ग्लोत्सिन की क्या थी, डेंसिटी 4.3, उसका रैपेटी असंबद्धता आ जाएगी या निचली मेंटल आ जाएगी, ठीक है? तो निचली मेंटल या रैपिडिटी, एक मिनट, हाँ, रैपिडिटी असंबद्धता, ठीक है? तो निचली मेंटल यहाँ कितना हो जाएगा, सीमा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो 700 से 2900 किलोमीटर का, ठीक है? और क्या डेंसिटी यहाँ तक लगभग 5.5 to 10 डेंसिटी हो जाएगी। उसका देखिए गुटेनबर्ग आ जाएंगे हमारे, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता, यहाँ से गुटेनबर्ग का क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा, इसको बाह्य क्रोड बोला गया, मतलब क्रोड से जस्ट बाहर का एरिया, बाह्य क्रोड, ठीक है? ये कहाँ तक हो जाएगा आपका, 5150, 5150 किलोमीटर तक हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए लहमन असंबद्धता आ जाएगी, ये जो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ये बिंदु जो मिलेगा आपका लहमन असंबद्धता, यहाँ से लहमन असंबद्धता शुरू हो जाएगी 12.3 से 13.3 तक, ठीक है? उसके बाद देखिए बिल्कुल नीचे अगर हम बात करेंगे तो आंतरिक क्रोड आ जाएगा, ठीक है? तो आंतरिक क्रोड तक पे बिल्कुल पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, 13.6, और यहाँ पर आपका क्या पाया जाएगा, निफेन, निखिल और आयरन, ठीक है? और 6370 किलोमीटर ये रेडियस होती है लगभग, ठीक है? एक्चुअल रेडियस आपकी लगभग ये होती है, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली हम इतना लिख देते हैं, ठीक है? अब देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपके, देखिए पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर उसके सेंटर तक आज तक तो कोई गया नहीं है, ना ही वहाँ से कोई मेटल निकाल के लाया है, तो पूरी तरीके से उसका रासायनिक संगठन सेंटर का नहीं बता सकते। फिर भी वैज्ञानिकों के अनुमानों के आधार पर ये सारी परिकल्पनाएं बनाई गई हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये तैयार किया गया है, सारी चीज़ों को मिक्स करो कंबाइन करके, ठीक है ना? तो इसमें आपको जो पढ़ना है क्वेश्चन, इसके देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम इसके क्वेश्चन आपके भूकंप से रिलेटेड बनते हैं, ठीक है ना? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप रिसेंट व्यू वगैरह बताइए, इसका क्वेश्चन जो बनेगा किसी भी मतलब जैसे कोई भी मान लो दुर्घटना घटित हो जाएगी, ज्वालामुखी हो, वोल्केनो वगैरह ब्लास्ट हो गए, या फिर आपका जो है सुनामी वगैरह आ जाएगा, तो ये इसमें फिर ये आपको अंदर का व्यू उसमें दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कौन सी प्लेट में कौन सी कमियां हुई होंगी जिस वजह से ये जो प्रॉब्लम हुई है वो हुई है, ठीक है? तो मैं अभी जैसे भी आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करूंगा, अभी तो मैं डिस्कस ये सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके हम अपना जियोमॉर्फोलॉजी खत्म कर दें, देन उसके बाद हम इसके जल्दी से 2-4-5 क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग कर लें, फिर आपको कॉन्सेप्ट पूरा तैयार होगा, ठीक है? और काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे बोर्ड पे पढ़ाने को, मैं भी बहुत बार ट्राई कर रहा हूँ बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, लेकिन बोर्ड पे देखिए मैं अभी इसलिए लेक्चर नहीं ले रहा हूँ बिकॉज ये जो डायग्राम का कॉन्सेप्ट है ना बोर्ड पे इतना अच्छे से मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि डायग्राम बोर्ड पे बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाएगी और टाइम भी लग जाएगा, और इतना अच्छे से मैं नहीं बना पाऊंगा, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अभी इसको इसी तरीके रखते हैं। एक्चुअली आपके आप बिकॉज ज्योग्राफी में डायग्राम से जितना अच्छा आप समझा सकते हो ना, थ्योरी से नहीं समझा सकते, और एग्जाम में भी डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे आपका, ठीक है? और काफ़ी लोगों ने लास्ट लेक्चर के जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपका मैपिंग असाइनमेंट वो नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको करिएगा, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूसरा असाइनमेंट दूंगा, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर मैं देना असाइनमेंट बंद कर दूंगा,
ठीक है, तो कमेंट में करके मुझे बताइएगा कि आप लोग चाह रहे हैं कि मैं असाइनमेंट देता रहूं तो बताइएगा, और 2-3 लेक्चर के बाद फिर मैं आपके मेंस के क्वेश्चंस भी देना शुरू कर दूंगा आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस अभी से जारी रखिएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये सब करूँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।